Hey everyone, welcome back to my channel Honey Life and Style and myself Honey. So friends, जब हम instant glow की बात करें तो हमारे मुंह पे ज़्यादातर lotus का ही product आता है. lotus gold आ गया, lotus pearl आ गया. तो इसीलिए मैं आज आपको lotus gold का facial करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से step by step इसे करना होता है. तो देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पाउच में भी अवेलेबल होता है जो बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाता है और जिसमें 4 स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा में क्लींजर ले रही हूँ, जो आप कोई भी ब्रांड का क्लींजर ले सकते हो और स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्रोसेस में डायरेक्ट इसमें क्लींजर और स्क्रब साथ में ही होता है इंक्लूडेड, बट मैं एक्स्ट्रा में ज़रूर अपने स्किन को क्लीन करती हूँ. तो इस तरीके से आपने स्किन को क्लीन कर लेना है. तो 2 से 3 मिनट तक डीपली क्लीन कर लें स्किन को. और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करते रहती हूँ जो आपके फेशियल में बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो आप रेडिएंट लोटस गोल्ड से फेशियल कर रहे हो तो मेरी राय यही होती है कि आप रोज़ वाटर ही यूज़ करो, आप पानी का यूज़ ना करो. बट अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप पानी यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादा प्रेफरेंस यही है कि आप रोज़ वाटर यूज़ करो, टोनर यूज़ करो, क्योंकि रोज़ वाटर और टोनर आपके स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करता है और आपके स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ा देता है. तो क्लीनअप के स्ट्रोक्स, स्क्रब के स्ट्रोक्स और मसाज के स्ट्रोक्स आप सब कुछ देखते जाओ. सबके अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप कर सकते हो. जब भी आप करो तो वीडियो लगा लो और फिर फेशियल करो तो आप बहुत अच्छा स्ट्रोक्स ले सकते हो. क्योंकि जब हम इनिशियल एज में होते हैं तो स्ट्रोक्स को याद रखना इजी नहीं होता, तो वीडियो जब आप स्टार्ट करके करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा. आपने 2 से 3 मिनट का मसाज लेने के बाद अच्छे तरीके से फेस क्लीन कर लेना है वाइप की हेल्प से. अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जो है लोटस रेडियंट गोल्ड क्लिंजिंग स्क्रब. तो पूरे फेस पे अच्छे से पहले अप्लाई कर लें. मैं यहाँ पे आईज़ पे भी अप्लाई करती हूँ, मैं स्क्रब नहीं करती आईज़ पे, बट अप्लाई ज़रूर करती हूँ क्योंकि जो इसकी बेनिफिट होती है, जो हमारे डेड सेल को रिमूव करता है, वो इजीली आईज़ के पास से भी रिमूव हो जाता है. तो 3 मिनट का हमें स्क्रब करना है. अपने फिंगर से स्क्रब कीजिए, पाम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है. अपने फिंगर से और फिंगर टिप्स से यूज़ कीजिए स्क्रब को. ये जो रेडिएंट इस क्लिंजिंग स्क्रब है, ये हमारे स्किन से डेड सेल को रिमूव करता है, साथ में हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बना देता है. जितने भी अगर ये हर्बल प्रोडक्ट है, ये तो हमें पता है कि लोटस हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए. अगर आपके स्किन पर इरिटेशन होने लगती है, रैशेज होने लगते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है. ये आपके फेस पर बिल्कुल हार्म नहीं करेगा और आपके स्किन को फ्लॉलेस बना के रखेगा. ऐसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, बट मुझे ये ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट लगता है, और नॉर्मल स्किन पे तो कोई भी फेशियल चली जाता है. इसकी जो स्क्रब होती है वो काफ़ी माइल्ड होती है, तो अगर कोई टीनएजर्स चाहता है कि इसे क्लीन अप करो तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेस्ट रहेगा. तो मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, तो आप सारे स्टेप्स को, स्ट्रोक्स को अच्छे तरीके से देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ. तो ये आपके ईजली ब्लैक हेड, वाइट हेड को रिमूव कर देगा, डेड सेल को रिमूव कर देगा और आपके स्किन को स्मूथ सपल बना देगा. जब भी आप स्क्रब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ करो, रोज़ वाटर का यूज़ करो, टोनर का यूज़ करो, क्योंकि वो आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए. हमें सारे गंदगी को बाहर निकालना है, डीप क्लीन करना है. तो 3 मिनट स्क्रब करने के बाद आपने अच्छे तरीके से पानी की हेल्प से वाइप आउट कर लेना है. तो स्टीम अब लेंगे, 10 से 15 मिनट का स्टीम लेंगे. स्टीम लेने से हमारे सारे पोर्स अच्छे तरीके से ओपन हो जाते हैं और हमारी स्किन अच्छे तरीके से सांस ले पाती है. जितने भी धूल, जितने भी पॉल्यूशन है, वो अच्छे तरीके से निकल जाते हैं बाहर. तो अगर आपके फेस पे एक्ने है और बहुत ज़्यादा आपका डल लग रहा है स्किन, तो आप ज़रूर स्टीम लिया करो वीक में 1 टाइम. अब हम करेंगे स्टेप 2, जो है रेडिएंट गोल्ड एक्टिवेटर. तो इसे भी पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके से. तो 2 से 3 मिनट का मसाज देना है हमें एक्टिवेटर का. तो ये जो एक्टिवेटर है, ये 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड लीव से बना हुआ है, जो आपके इनर लेयर तक जाता है और आपके स्किन टोन को ये नरिश करता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है स्किन का, और आपका स्किन अगर ड्राई है, रफ है, तो उसको भी ये रिपेयर करता है अच्छी तरीके से. तो स्ट्रोक्स आप देख लें कि किस तरीके से स्ट्रोक्स लिया जा रहा है. इस तरीके से आपने मसाज करना है अपने स्किन को 2 से 3 मिनट तक.
यहाँ पे मैं ओजोन हाई फ्रिक्वेंसी मशीन यूज़ कर रही हूँ। ये क्या करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके फाइन लाइन रिंकल को ये रिमूव करने में हेल्पफुल है और आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ जाता है इस ट्रीटमेंट से। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, और आप चाहते हो इसे सीखना कि किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं, तो मैंने कई सारे वीडियो इस पर बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं शेयर भी कर दूँगी कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो जब एक्टिवेटर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए तो थर्ड प्रोसेस है यहाँ पे रेडिएंट गोल्ड मसाज क्रीम। तो इसे भी पूरे फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें। बहुत लोगों की ये क्वायरी होती है कि क्या एक पूरा पाउच यूज़ करना है, तो जी हाँ, ये वन पर्सन के लिए ही होता है। एक बॉक्स से आप बस वन पर्सन का फेशियल कर सकते हो। और आपको बैक मसाज कैसे करना है ये भी मैंने कई सारे वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपने फेशियल, जब आप फेस पे फेशियल करते हो तो बैक पे भी आप फेशियल दे दिया करो। तो जो ये गोल्ड लग्जरियस मसाज क्रीम है ये सिर्फ गोल्ड लिप पार्टिकल से बना हुआ है। ये आपके स्किन के इनर लेयर तक जाता है और उसको अच्छे तरीके से रीस्टोर करके आपके फेस पे रेडिएंट ग्लो ले आता है। ये आपके स्किन में बहुत ही अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है और आपके स्किन में नरिशमेंट लाता है, साथ में आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ये इम्प्रूव करता है, और जिसकी वजह से आपको बिल्कुल मेटालिक लुक मिलता है, और साथ में ये आपके स्किन को यूथफुल बना देता है क्योंकि ये फाइन लाइन और रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। तो मसाज आपका कम से कम 10 से 15 मिनट का होना चाहिए, और आपका हैंड मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। तो स्ट्रोक्स आप बहुत ध्यान से देखें, ये स्ट्रोक्स आपके फाइन लाइंस को रिमूव करेगा, साथ में आपके इन स्किन को बहुत ही टाइटनिंग करेगा और आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ जाएगा जब आप अच्छे स्ट्रोक्स लोगे तो। एंड फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सबको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और 100 के सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए आप सबकी वजह से। मेरे सारे सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच, जो आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया मेरा वीडियो। सो थैंक यू टू ऑल माई क्यूट एंड स्वीट सब्सक्राइबर। तो ब्यूटी थेरेपी की क्लासेस लगभग मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और अब मैं मेकअप की क्लासेस पे आने वाली हूँ जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्सेज मेरे चैनल पे कराए जाएंगे, और साथ में आपको कई सारे इवेंट भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मॉडल के मेकअप होते हैं, किस तरीके से जो हमारे सेलिब्रिटी हैं उनके मेकअप किए जाते हैं, वो सब कुछ मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और हाँ, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ एक लाइक किया करो, काफ़ी अप्रिशिएशन होता है, और हम बहुत अच्छे से काम करने के लिए होते हैं कि काफ़ी अच्छा काम करें और आप लोग को कुछ सिखा पाएं। तो आप देख सकते हो क्रीम अच्छे तरीके से स्किन पे एब्जॉर्ब हो गए हैं। ये सारे रिलैक्सेशिंग के स्टेप्स होते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो, काफ़ी ज़्यादा आपको सुकून मिले जब भी आप फेशियल कराओ तो, क्योंकि मसाज हम फेशियल इसलिए तो कराते हैं ना कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो, रिलैक्स फील हो। मेरे कई सारे सेल्फ वीडियो भी हैं कि सेल्फ फेशियल आप लोग कैसे कर सको, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। आप घर पे खुद से भी, खुद के फेस पे भी फेशियल अच्छे तरीके से कर सकते हो, और कोई स्टेप नहीं आता तो कोई बात नहीं, सर्कुलर मोशन से ही आप अपना फेशियल कर सकते हो। तो चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। तो कभी आपको फेशियल का मसाज जो आपने किया वो हटाना नहीं है, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट यहाँ पे फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। तो ये लोटस का गोल्ड मास्क है, ये आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा रिवाइटल बना देता है और स्किन को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट करता है। तो इसे भी पूरे फेस पे, नेक पे अच्छे तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है। 80% आपको ड्राई होने देना है। 80% जब ड्राई हो जाए तो अच्छे तरीके से आपने पानी की हेल्प से वाइप आउट कर लेना है। तो आप देख सकते हो रेडिएंट ग्लो आ गया है स्किन पे। आपने अब कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है 12 घंटे तक, और अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हो तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। सो टिल देन, बाय बाय।